हाय, दिस इज अरसलान। आप मुझे देख रहे हैं समथिंग हॉट के ऊपर। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल भी जरूर दबा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी, दिस इज हार्ट टू हॉट, योर ट्यून इन टू समथिंग हॉट। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो कि कंटेंट क्रिएशन के बेताज बादशाह हैं पाकिस्तान में, मैं तो कहूँगा, और एग्जैजरेशन बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि कोई 12-13 साल से, 11-12 साल से वो कंटेंट बना रहे हैं। आप उनका कंटेंट बहुत इंजॉय करते हैं। फेसबुक के ऊपर आज से कुछ 10 साल पहले उन्होंने मिलियन फॉलोअर्स हिट कर लिए थे। यूट्यूब के ऊपर भी बेशुमार उनके फॉलोअर्स हैं। बहुत मज़े की कॉमेंट्री करते हैं पॉप कल्चर के मैटर्स के ऊपर, पॉप कल्चर के इशूज़ के ऊपर, और अब वो एक नई फील्ड में कदम रखने जा रहे हैं, अपना एक्टिंग डेब्यू करने जा रहे हैं। रमजान में एक ड्रामा शुरू हुआ है चुपके चुपके, आपने उसकी पहली किस्त तो देख ही ली होगी, उसमें उनका एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बड़े ही टैलेंटेड किस्म के इंसान, अरसलान नसीर, जिनको आप जानते हैं कॉमिक्स बाय अरसलान सीबीए के नाम से। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच, बड़ा जबरदस्त किस्म का आपने तो। सर देखिए, बस कैमरा ऑन हुआ है तो निकलती गई हैं चीजें, मैंने रटा भी नहीं मारा था। कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रमजान मुबारक हो। रमजान मुबारक सर, आपको भी थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया मुझे रमजान के बीच में। ये आ तो नहीं रहा होगा कहीं अफ्तारी के बाद? अगर आ भी रहा हो तो खैर है, क्योंकि हमने ये रोजा रखने से पहले और रमजान शुरू होने से पहले ये अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। अगर किसी का रोजा खराब हो रहा है इस वजह से तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा फ्रेम से निकाल, मैं फ्रेम से निकाल के थोड़ा सा आगे कर ले तो आप भी आगे कर ले। मुझे ये बताएं कि जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान में कॉन्टेंट क्रिएशन की अगर बात हो तो आपको 11 साल 12 साल करीबन हो चुके हैं, तो सर ये तो वो टाइम है कि उस वक्त तो बहुत सारे लोग जो अब कंटेंट बना रहे हैं उनको शायद पता भी ना हो कि कंटेंट क्रिएशन होती क्या चीज़ है, तो कुछ बताएं ना अपनी जर्नी के बारे में कि ये 11-12 साल पहले एक जवान बच्चे को ये कैसे ख्याल आया कि चलो आओ ये सब कुछ करते हैं। अच्छा सर, वो उसमें बेसिकली मैं बताऊँ तो आइडिया तो मुझे भी नहीं था कि क्या कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले तक तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हुआ ये था कि मैं देख रहा था कि उन दिनों ये जो प्राइवेट चैनल्स जितने भी थे ना, उसके ऊपर जितने भी न्यूज़ चैनल्स थे, उन सब के अंदर वो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई थी, और वैसे भी इतने वो धमाके हो रहे थे उस ज़माने में, तो वो जहाँ पर भी आप देखें आपको बस यही खबरें नज़र आ रही थी। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि आपको सोशल मीडिया पर वो सब कुछ नज़र आ रहा था। सोशल मीडिया मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा प्राइवेट है, क्योंकि टीवी के ऊपर आप फिर भी ना आपके कुछ नॉइज़ होते हैं, आस पास आप सुन रहे होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया आप आराम से बेड के ऊपर लेटे हुए हैं अकेले, आप अपनी स्क्रीन को देख रहे हैं, तो बड़ा ही प्राइवेट किस्म का एक अफेयर होता है। उसके ऊपर भी आप देखें तो बहुत ही इस किस्म की खबरें आ रही थी, सिर्फ लाइव CCTV फुटेज आ रहे थे फटने के और इस तरह की चीज़ें, तो मैंने कहा ये ज़्यादा हो रहा है अभी, तो कुछ ऐसा होना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर, आपकी न्यूज़ फीड के अंदर ही जो है वो पॉलिटिक्स के अलावा भी कोई बात हो, कोई मज़ेदार किस्म की चीज़ हो जो डेली लाइफ हमारे चल रहे हैं। तो इसी तरह शुरू हुआ। बस वो मैं देख रहा था कि एक स्किल थी मेरे में वो कॉमिक्स बनाने की, ड्राइंग की, शुरू से ही शौक़ था, तो अपने दोस्त को मैंने एक बना के भेजा, मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा ये देखे हंसी आ रही है, उसने कहा हाँ आ गई हंसी मैंने कहा चलो यार फिर मैं डाल देता हूँ, अपलोड कर लेता हूँ, तो उसने कहा कर लो, तो इस तरह तो शुरू हुआ। आइडिया कोई नहीं था, रमज़ान के ही दिन थे बेसिकली, रमज़ान से एक महीना पहले शुरू किया था, तो उसमें किसी को नहीं पता चला, रमज़ान के अंदर थोड़ा रोज़ों से रिलेटेड कॉमिक्स बनाए तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गए। शुरू में आपकी वेबसाइट थी जिसमें? सबसे पहले फेसबुक ही था, फेसबुक का फैन पेज था वो, इनफैक्ट कोई 1000 फैंस तक गया था वो, फिर हैक हो गया था, फिर दोबारा से शुरू किया। अच्छा, तो वेबसाइट मैंने बाद में की थी, क्योंकि वो मैं फिर वो मूवी रिव्यूज और इस तरह की चीज़ें कर रहा था, तो उसके अंदर फेसबुक के अंदर लिमिटेशन थी कि आप वो पैनल्स नहीं यूज़ कर सकते, तो वो मैंने फिर खुद ही डिज़ाइन करवाई थी कि इस तरह हो जाए, तस्वीरें इस तरह आएँ कि उसको एज अ मूवी रिव्यू प्रेजेंट कर सकें, तो इसलिए वेबसाइट बनाई थी, मतलब मैं 3-4 साल के बाद बनाई। तो उस पॉइंट पे ये जब आप कर रहे थे, यू आर एम्प्लॉयड या आप पढ़ रहे थे, क्या सीन था? जी, जो मैं शुरू में तो मैं पढ़ रहा था, बेसिकली बाहर था मैं, वहाँ पर ही मैंने बैचलर्स किया, आयरलैंड में था मैं तकरीबन कुछ 7-8 साल। अच्छा, उधर बैचलर्स किया। तो आप तो बड़े यू हैं फिर, मतलब? नहीं, यू लगता भी नहीं हूँ, जो लोग मिलते हैं उनको भी एक दफ़ा बताना पड़ता है कि नहीं मैं बाहर कोई 11-1 साल रह के आया हूँ। 11 साल आयरलैंड में रहे? नहीं, तकरीबन 7-8 साल उधर था, फिर 2 साल इंग्लैंड में था। अच्छा, तो वहाँ पर भी जॉब की थी, तो वो मास्टर्स करने के बाद आया था इधर पाकिस्तान, और वहाँ पर जब मैं जॉब कर रहा था तो वो काफ़ी मतलब वेल पेड थी, वैसे भी आप पाउंड्स को और जमीन को ऑब्वियसली कर लेते हैं तो हो जाता, तो यहाँ पर आया तो उसके तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 5% सैलरी मुझे ऑफर हुई,
तो लोगों ने मुझे यहाँ पे दोस्तों ने ये कहा कि अरे वापस भाग जाएगा एक महीने के अंदर, कितना यहाँ पे रहेगा, तो मैं बस रह गया। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, इधर ही रहते हैं। तो इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, ये डिसीजन वहां से इधर पाकिस्तान आने का, वो उसकी कोई वजह खास? पर्सनल रीजन ही थे बेसिकली। फैमिली में मैं चूंकि सबसे बड़ा बेटा हूँ, तो मैंने सोचा कि पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पर अकेले हैं तो आ जाना चाहिए, क्योंकि भाई भी बाहर ही था और बहन जो है वो भी मैरिड है, तो इसलिए वापस आ गया यहाँ पर। तो उस वक्त तो कुछ लॉजिकल रीज़न नहीं था ऐसा, लोगों को बताता था वो कहते थे यार उनको बुला लो इधर ये वो, लेकिन अच्छा इतना कोई मैं एक्सप्रेसिव हूँ भी नहीं कि घर में भी कोई ऐसा हो कि हर वक्त अम्मी जान और अब्बू जान करो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन बस वो फील हो गया था कि मेरे ख्याल में ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा। फिर मेरी जो एक लिमिटेशन है, मैं ज़्यादा फ़ोन के ऊपर भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता, मुझे अच्छे भी नहीं लगता फ़ोन पर बात करना, तो वो एक कांटेक्ट भी थोड़ा कम ही था। और फिर वहाँ से इन 10-11 साल में मेरे ख्याल में सिर्फ 2 दफ़ा पाकिस्तान आया हूँ, तो इसलिए भी थोड़ा मुझे लग रहा था कि मेरे से तो ये हो नहीं सकता। कुछ लोग होते हैं 6 महीने के बाद ट्रैवल कर लेते हैं, तो बेहतर ये कि यहीं पर मूव कर लें। तो ये कौन सा साल था जब आप आए वापस? ये आई थिंक 2011-12 की बात है। 11-12 एंड दिस इज आल्सो व्हेन यू स्टार्टेड सीबीए? जी हाँ, वो साथ साथ ही चल रहा था। फिर उसके उसी दौरान में जो है वो नौकरी भी कर ही रहा था मैं, तो वो चूंकि कॉमिक्स से तो मैनेज कर लेता था मैं, मतलब कभी कभी इवनिंग्स में कुछ कर लिया इस किस्म की चीज़ का। तो अरसलान, आपने शुरू में ही बड़ी जल्दी आई थिंक बाय 2014 आपके फेसबुक के ऊपर मिलियन आपने हिट कर लिया था जी। तो वो जब आपने ये करना शुरू किया शुरू में और जो फीडबैक आना शुरू हुआ, व्हाट वाज योर असेसमेंट कि यार ये क्यों इतना क्लिक कर रहा मेरा कंटेंट लोगों के साथ? सर ऑनेस्टली कुछ ऐसे पता तो नहीं चला कि क्यों क्लिक कर रहा है। एक थोड़ी सी चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ की जो यूथ थी वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी गोरों से, उनका मैं वर्ड भूल गया हूँ, अभी तो मीम्स उनको कहते थे लेकिन उससे पहले भी कुछ एक था, वो ट्रोल्स थे, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स थे, वही ह्यूमर चल रहा था। मेरा ख्याल में ये पाकिस्तान का जितना ज़बरदस्त उनका ह्यूमर है और जितने फनी सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे यहाँ पे लोगों का लगता है, वो उस तरह आ नहीं रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो एक वो थोड़ी यूनिकनेस थी, लोगों को नज़र आया कि यार ये हमारा ह्यूमर ही है लेकिन एक कॉमिक आर्ट में आ रहा है। कॉमिक्स भी इधर उस तरह कोई सीन नहीं था पाकिस्तान के अंदर, तो वो शायद वो यूनिकनेस ही थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यही है कि कुछ हट के हो रहा था, मतलब कोई और कर नहीं रहा था वो, तो इसलिए क्लिक कर गया। और जो आपका फॉर्मेट हमेशा से रहा, आपने मूवी रिव्यूज़ भी किए, ज़्यादातर आपने पॉप कल्चर के ऊपर अपना अपनी कमेंट्री की, वाज दैट आल्सो अ कॉन्शियस डिसीजन? इज़ दैट अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी? आपका सोचने का तरीका ऐसे है इसलिए वो आपके, मैं तो कॉन्टेंट नहीं कहूँगा, मैं आपके आर्ट के थ्रू वो कन्वे होता गया, या उसकी क्या वो उसके पीछे कुछ सोच थी? नहीं ऐसे सोच तो कोई भी नहीं थी, बस बेसिकली फिल्में देखा करता था, तो अक्सर वक्त ऐसी चीज़ें देख रहा होता था जो बाकी लोग नहीं देख रहे होते थे। तो वहाँ पर मुझे ऐसे लगा कि वापस आते थे दोस्तों के साथ भी मूवी देख के, तो मैं फिर ऐसी ऐसी बातें कर रहा था कि वो देखा था ये देखा था, वो कहते यार हमने तो ये चीज़ें नोट नहीं की। तो मैंने कहा अगर नोट कर रहा हूँ तो शायद मैं किसी और तरीके से देखता हूँ फिल्में। फिर उसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी कि बहुत सी ऐसी फिल्में थी जो मुझे पसंद भी आती थी लेकिन उसके अंदर भी मैं कॉमेडी ढूंढ रहा होता था, क्योंकि मुझे बाज़ अवकात ऐसे लगता था कि हम लोग जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जितनी भी चीज़ होती है ना उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा उसके अंदर से वो स्नैप आउट करने के लिए ना बताता था कि यार दिस इज़ ऑल एंटरटेनमेंट, इसको इतना दिल पे नहीं लेना। तो वो करने के लिए मैं थोड़ा सा ह्यूमर डाल लेता था, लेट्स से अगर कोई बहुत इमोशनल सीन है तो उसके अंदर मैं हल्का फुल्का सा कोई जोक कर लेता था, जो सिनेमा में दोस्त बैठे होते थे वो हंस रहे होते थे, कोई एक कॉमेंट आ जाता था, तो उसी तरीके से किया था। फिर एक चीज़ ये हो गई थी कि काफ़ी ऐसा कंटेंट भी मिल गया था जिसके ऊपर बात करने का भी मज़ा आ रहा था, जो कि इतना कोई ख़ास नहीं था कंटेंट, तो वो उस वजह से भी शायद ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि बहुत से लोग वो कहना चाह रहे थे, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म था नहीं जो कि बात कर सके स्पेशली टीवी से रिलेटेड। तो वो जब बात की वो लोगों को थोड़ा पसंद आया, उन्होंने कहा कि यार हम भी यही कहना चाह रहे थे लेकिन कोई हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिस पर बात कर। हमारा और आपका वेन डायग्राम में वो ओवरलैप है काफ़ी, एक बड़े हिस्से के ऊपर के, जिस तरह हम ड्रामों या फिल्मों के ऊपर अब रिव्यू कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आप तो काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, तो एक कॉमन कॉमनैलिटी एक निकलती है। बड़ा शुगल का काम है वैसे ही, और इसकी एक बड़ी स्ट्रांग ऑडियंस है। जी हाँ, अच्छा इसके अंदर एक ये हो गया था, आप तो माशाल्लाह रिव्यू कर रहे हैं, मेरा इनिशियली रिव्यू का कोई वो नहीं था कॉन्सेप्ट, नहीं था स्पूफ का ज़्यादा, स्पूफ का बेसिकली बनाते मैं पहले भी स्पूफ ही था लेकिन उसको मैं कह देता था सीबीए रिव्यू, अब वो कॉमिक्स वाला और वो रिव्यू के हिसाब से मैं कहता था, लेकिन लोगों को इतनी खास कुछ समझ नहीं, वो थोड़ा सीरियस लेना शुरू हो गया कि भाई ये अगर इसने बात कर ली इस तरह तो ये तो कोई इवैल्यूएशन होगी इस चीज़ की अच्छी है या बुरी है, तो इसलिए फिर मैं अब उनको स्पूफ कहना शुरू हो गया हूँ। मतलब मुझे अब यही होता है कि इतनी मेहनत से काम होता है तो मैं इस तरह बैठ के बिल्कुल ही काट दूँ बीच में से, क्योंकि मैंने तो इन एनी केस ह्यूमर ही ढूंढना है बीच में से,
बहुत ही ऐसी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं, स्पेशली अगर आप मेरे ड्रामास का देखें तो मैंने, मेरा ख्याल में लाइफ में कोई 3-4 ड्रामास ही देखे हैं, वो यही हैं जिनके मैंने स्कूल मेरे बना पास लिए थे। तुमों का बड़ा डिटेल्ड हाँ जी, आपका था। वो असल में हुआ यही था, मैंने लोगों से पूछा कि यार कौन से ड्रामाज हैं जो कि बड़े, एक तो पहले मैंने खुद देखा था सुनो चंदा, वो ऐसी वो नादिया अवगन मेरे साथ कॉन्टैक्ट में थी तो उनके फेसबुक मैंने देखा क्लिप, मैं फिर यूट्यूब पे देखना शुरू कर दिया, वो तो एक ड्रामा मैंने खुद देख लिया। तो उसके बाद मैंने लोगों से पूछा भाई कौन सा ड्रामा है, तो बड़े लोगों ने बताया जी ये कोई ड्रामा है मेरे पास, तो कोई 7-8 एपिसोड्स हो गई थी, तो मैंने पूछा था, मैंने स्टोरी पूछी तो उन्होंने कहा यार इस तरह है, बेगम है वो, कहीं और बंदा है उसमें इंटरेस्टेड होगी, मैं कह रही किस तरह मैं देखूंगा। खैर मैंने देखना शुरू कर दिया, मैंने कहा यार ये भी एक लोगों में इतना इंटरेस्ट है तो इसके बारे में पता तो होना चाहिए मुझे, तो पहली 1-2 एपिसोड देखी तो मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो मैं एक्चुअली जो है मतलब मुझे यही था कि अगर तो मेरे से ना देखा गया तो मैं नहीं देख सकता कि 30-30 एपिसोड्स कौन देखे फिर उस पर बात भी करे, तो मुझे एक्चुअली वो अच्छा लगा। तो वो 10-12 एपिसोड जब मैंने देखी उसके बाद ही मैंने कहा कि अरे ड्रामा वाकई अच्छा है, मज़े का है, इसकी मैं कॉमेडी वाला एलिमेंट डाल के ना इसकी एक और स्टोरी नरेट कर दूंगा, तो वही मैंने किया। उसके ऊपर भी उसी को भी इसलिए फिर स्पूफ कहते हैं, रिव्यू नहीं कहता, हालांकि अगर आप देखें मेरे पास तुमो मुझे बहुत पसंद था, मतलब मैं एक्चुअली फैन एज अ फैन देखता रहा हूँ। फिर जो वो था अहदे वफा भी मैंने इसी तरह देखा था, उसका एक ही पार्ट बनाया था मैंने, दूसरा फिर बिजी हो गया था, और तीसरा मैंने बनाया था ये दिल मेरा जो ये दिल चंचल का मेरा जो था, वो भी सज्जना ये तीनों ऐसे ड्रामाज हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और मैं बड़ा खुश भी होता क्योंकि मैं नया था ड्रामा इंडस्ट्री देखने में एज ए व्यूअर, और ये एक साथ ही मेरे ख्याल में आगे पीछे आ रहे थे, तो मैं अपनी फैमिली से ये पूछा था कि यार ये हर दफ़ा इसी तरह माहौल होता है, इस इतने अच्छे अच्छे ड्रामाज आगे पीछे आ रहे होते, तो उन्होंने कहा नहीं हर दफ़ा तो नहीं होता। तो तुक्का एक ऐसा हाँ चल रहा था वो उस एक टाइम ऐसा पे। स्पेल था कि मैं तो फैन हो गया इंडस्ट्री का। बट मैं ये एक्नॉलेज करना चाहूंगा बात कि आपने कॉन्शियसली उसको रिव्यू से स्पूफ में कर दिया है, जी बिकॉज जी ये बड़ा एक आई थिंक गोज ऑन टू शो कि आप कितना माइंडफुल हैं अबाउट द कॉन्टेंट दैट यू क्रिएटिंग, कि वो जी गलत तरीके से पिच ना हो जाए या गलत जी तरीके से लोग उसको परसीव ना करना शुरू कर दें। सर ये उसमें डिस्क्लेमर भी दे देना कि यार ये रिव्यू नहीं स्पूफ है, आई थिंक ये बड़ी जी बात सर है। बेसिकली जो सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि 2015-16 में ही, उससे पहले तक मैं भी इतना वो नहीं सोचता था इस बारे में, एक इंडिया की तरफ से एक हमें एक तोहफा मिला था रोस्टिंग का। अब वो रोस्टिंग बायर वेस्ट में होती रहती थी लेकिन उसके अंदर यही होता कि एक बंदे को बिठा के बीच में उसकी इजाज़त के साथ उसकी रोस्टिंग की जाती है, मतलब उसकी इंसल्ट किया जाता है, जी और वो भी इंजॉय कर रहे होते हैं, बाकी लोग भी इंजॉय करते हैं। सर हमारे यहाँ पे भी अक्सर स्टेज शोज वगैरह में इस तरह होता है, लेकिन वही जो कॉन्सेप्ट है ना वो फिर इंडिया में एक बहुत ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएटर्स थे उस ज़माने में, AIB के नाम से AIB थे, ने उन्होंने किया बिल्कुल, था, वो बहुत वायरल हो गया था, तो वो एक और कॉन्सेप्ट फिर ना उन पे हमने, हाँ पाबंदियां भी बड़ी जी लगी। वो इतना वो ज़बरदस्ती हमने उसको अपनाया उस चीज़ को कि मुझे ये लगना शुरू हो गया कि मुझे भी ना लोग वो उसी तरह करना शुरू हो गया, अच्छा ये भी रोस्टिंग कर रहा है रोस्टिंग कर रहा है। तो मैंने जो बेसिकली मैं बताना ही चाहता था लोगों को कि यार मजाक करने में और मजाक उड़ाने में फ़र्क होता है, आप किसी का मजाक उड़ाएं तो ज़्यादा ईजी हो जाता है आपको, लेकिन अगर आप मजाक इस तरह का कर रहे हो ना कि जो बंदा है जिसके बारे में बात की वो भी उसको इंजॉय कर रहा है, तो वो उसमें बहुत फ़र्क है, जिस तरह के अंदर मकसूद साहब और मोइन अख्तर साहब करते रहे हैं हमारे टाइम में, हम तो उनको देख के बड़े हुए हैं, तो वो एक कॉमेडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि इधर हो नहीं रही है, तो इसलिए भी। फिर दूसरी बात ये कि रोस्टिंग में वो एक लैंग्वेज का बहुत बड़ा एक इस तरह होता है कि वो बुरी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जो अनफॉर्चुनेटली जो यूथ होते हैं, मैं भी उस एज से गुजरा हूँ, उसके अंदर वो आपको थोड़ी सी करती है फैंटेसाइज करती है कि आप कूल हो जाएंगे गालियाँ दे के इस किस्म की चीज़ करके, तो वो भी बताना था लोगों को कि यार इसके बगैर भी कॉमेडी हो सकती है। अभी मैं जब स्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ अक्सर औकात बीच में अगर कोई लड़के जिस तरह बात करते हैं बीच में कोई ना कोई गाली गलौज जिस तरह हो जाती है, तो मैं लिखता हूँ तो वो बहुत फनी लग रहा होता है, और फिर मुझे पता है कि मैं किस तरह उसको जो है ना डम डाउन करता हूँ कि नहीं यार इसको तमीज़ से बात करना है तमीज़ से बात करना है, तो वो अगर मैं आपको वैसे बताऊँ तो 4 टाइम्स मोर फनी हो सकता है कंटेंट जिसको मैं सिर्फ डिसेंट करने के चक्कर में वो कर लेता हूँ। तो एक वो भी रीज़न था कि वो रोस्टिंग का जो एक वो लेबल चलता आ रहा है, हर एक बंदा कोई भी चैनल बना के किसी को भी पकड़ के उसकी इंसल्ट कर रहा है, उसको ख़त्म भी करना था। अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज़ आपके पास प्लेटफॉर्म भी है, आपके पास वो फॉलोइंग भी है कि अगर आप वो लाइन क्रॉस करके उधर चले जाएं तो आपके तो फिर वारे न्यारे हैं, जो मिलियन है वो ×4 आपके मल्टीप्लाई होकर बड़े आराम से आपके फॉलोअर्स इंक्रीज करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, नॉट टू ऑफेंड एनी ऑफ आर फॉलोअर्स, मुझे नहीं लगता कि हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं, बट जनरली जो ऑडियंस है, एंड आई वोंट इवन से कि पाकिस्तानी ऑडियंस, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, अभी ये उनके अंदर ऐसा जज्बा या इमोशन पैदा हो गया कि जिस किसी को अगर रोस्ट करना है तो पहले खंजर मारो, फिर खाली मारने कई हद तक काफी नहीं है, मार के पहले इधर मरोड़ो फिर उधर मरोड़ो, अच्छी तरह से 4-5 बार मरोड़ के फिर बाहर निकालो तो फिर मजा आएगा, वरना मजा नहीं आया। और बहुत सारे लोग जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो इस लाइन को क्रॉस करते हैं और वो उस तरफ जाते हैं कि यार के
गालम गलोच करनी है तो कोई मसला नहीं, अगर किसी को क्रिटिसाइज करना है तो दिल खोल के तोपे, क्रिटिसाइज नहीं इंसल्ट करना है। हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम जो ड्रामा को रिव्यू करें, एक्टर्स को रिव्यू करें, तो क्रिटिक करें, क्रिटिसाइज करें, कंस्ट्रक्टिवली करें, इंसल्ट ना करें। फिर भी कभी कभार खुदा ना खास्ता, ना चाहते हुए अनइंटेंशनली हो जाता है, बट हम रियलाइज कर लेते हैं एंड वी ट्राई टू स्टेप बैक। हालांकि उसमें व्यूअरशिप बहुत एक इनसेन किस्म की आपको मिल सकती है। तो ये जो मुझे आई नो दैट स्ट्रगल, ये जो आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आई मीन आपने एक्सप्लेन तो कर दिया बट आई वॉन्ट टू एक्नोलेज दैट, ये भी बड़ी बात है। नहीं सर, बेसिकली हर बंदा अपनी अपनी जिस भी पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है कोई ना कोई इसमें भी स्ट्रगल कर ही रहा है, क्योंकि आप देखें जो बिजनेसमैन बैठा हुआ है उसको भी पता है कि अगर मैं एक्सपायर्ड चीज़ों को बेच दूंगा तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, अगर मैं कोई और दो नंबरी कर लूँगा, कोई मिलावट कर लूँगा तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। बट उसके अंदर भी लोग जो है फिर यही कोशिश करते हैं कि यार इस किस्म का कोई काम ना हो। तो हमारा भी एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर हमारे ऊपर भी कुछ इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हमें पता है कि हम कौन सी लाइन क्रॉस करेंगे, कितना मसाला डालने की कोशिश करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो मेरा ख्याल में यही आजमाइश है हर किसी की हो रही है, इंशाल्लाह और कुछ ना हो तो अल्लाह ताला इसी में बरकत डाल देते। हाउ हैव यू असेस्ड द ऑडियंस, जो ज़्यादा आपकी ऑडियंस है पाकिस्तानी ऑडियंस है, मेजॉरिटी बाहर के लोग भी हैं, इंडियंस भी हैं, किस तरह का डेमोग्राफिक है आपका? सर असल में जो मेरे ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह बदल गए, क्योंकि तकरीबन 2018 तक तो मैं फेसबुक पे ही काम करता रहा हूँ, उसी के ऊपर कंटेंट डालता रहा, कि वैसे भी बैंड था यूट्यूब तो आदत भी थी, 1.5 मिलियन फॉलोअर्स की आदत है, एक वीडियो डाली है 1,00,000 व्यूज़ हो गए हैं 15-20 मिनट के अंदर, तो उसकी आदत थी, तो वो यूट्यूब पर डाल के मज़ा नहीं आ रहा था, खैर ये तो फ़ायदा ही नहीं उधर डालो। तो वो ये हुआ कि फेसबुक की बहुत ज़्यादा ऑडियंस है वो इस तरह भी होगी कि वो थोड़ा लेट 20 से आई वुड से लेट 30s तक वाले उसमें चले गए हैं, और जो यूथ है वो ज़्यादातर जो है वो यूट्यूब के ऊपर आ चुकी है, तो एक तो वो एज के लिहाज से एक डिफरेंस है। लेकिन वैसे अगर मैं बताऊं तो रूटीन में जो होते हैं कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनसे शायद थोड़े ज़्यादा होंगे मेरे, जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं, तो स्पेशली जो पाकिस्तानी बाहर रह रहे हैं, इंग्लैंड में हैं या अमेरिका। हमारा भी यही चक्कर है जी, मैं और हमारे में काफ़ी सिमिलैरिटीज मैं देख रहा हूँ जी। हमारी भी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर वो हैं थोड़े से वो जो ज़्यादा कॉन्शियस और अवेयर हैं चीज़ों के बारे में, उनको पता है कि यार हम जो बात कर रहे हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पॉसिबली हो सकता है, और इस बात का भी उनको पता है कि जो हम देख रहे हैं वो जो बंदा या बंदी बात कर रहे हैं उसका भी पॉसिबली क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आई थिंक वो भी एक बड़ा मुझे लग रहा है कि मैं एक तरह से अपने आप से बात कर रहा हूँ, बट वो आपके कॉन्टेंट को भी इन्फ्लुएंस करती है चीज़। जी हाँ, जैसी आपकी ऑडियंस हो फिर आप भी वैसे ही सोचना शुरू कर देते हैं। तो वो अक्सर औकात यही होता है कि लोग जो हैं वो व्यूज के चक्कर में कोई लोकल आवाम को खुश करने के लिए चीज़ तो बना लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा बहुत ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि 2 साल के बाद या 3 साल के बाद वो कहीं ना कहीं वो उसको बर्नआउट ही कह दें या कुछ भी कह दें, वो बेसिकली गायब हो जाते हैं थोड़ा सा, उनके पास नया कुछ कॉन्टेंट नहीं आ रहा होता, वो बात नहीं रहती जो पहले थी, इस किस्म की कोई चीज़ हो जाता है वो इसीलिए क्योंकि वो ऑडियंस के फीडबैक से ना वो फिर ड्राइव होना शुरू हो जाते हैं, कि जो अपनी उनकी ओरिजिनल चीज़ थी उससे हट के वो लोगों को खुश करने के लिए चीज़ थी उसकी तरफ चलना शुरू करते हैं, तो वो एक कहीं पे वो जो एक यूनिकनेस आई थी शुरू में वो फिर आप लूज करते हैं, क्योंकि लोग तो फिर बोर हो जाएंगे अगर आप लोगों को हमेशा हर वक्त वही देते रहेंगे जो लोगों को देखना है। तो फिर आपकी यूनिकनेस तो खत्म हो गई फिर, व्हाट इज द यूनिक कंटेंट दैट यू एग्जैक्टली कितना मैं ऐसे लग रहा है कि मैं बाउंस बैक कर रहा हूँ बीमार के साथ आइडियाज। बट मुझे अरसलान ये बताएं कि जो आपका एक स्टाइल है, एक सिग्नेचर आपका स्टाइल जिस तरह से आपकी वीडियोस शुरू होती हैं वो बहुत मजे का है, बिकॉज इंस्टेंटली हुक आपको कर लेता है वो आपका स्टाइल, आप जो भी ड्रामे रिव्यू कर रहे हो या मूवी हो या क्रिकेट के ऊपर आपकी कॉमेंट्री हो, वो जो स्टाइल है वो आपने कैसे, वो नेचुरली एक दिन आप बैठे हुए थे किया या उस पर वर्क किया, 2-3 डिफरेंट स्टाइल आपने ट्राई आउट किए, वो कैसे आपने अडॉप्ट किया? सर वर्क तो किया काफ़ी, आई वुड से तकरीबन सालों करता रहा हूँ, मतलब डिफरेंट चीज़ें ट्राई आउट करता रहा हूँ। शुरू शुरू में जो बन रही थी उसके ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा हेटेड भी दी कि ये क्या बकवास कर रहे हो, किस किस्म की चीज़ें, ये हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, इवन दोस्त वगैरह वो भी आगे कह रहे थे कि यार बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन वो यही एक प्रोसेस होता है जब आप कुछ यूनिक बनाने कर रहे होते हैं, और स्पेशली जब आप खुद से कुछ करना चाह रहे हो तो उसके ऊपर टाइम लगता भी है। आपने अगर कॉपी करनी है किसी को भी तो आपने पता है चाहिए विनिंग फॉर्मूला है उसी को उठा के जो लगा दें। अभी मेरा हुआ यही था कि मैं उस फेज से जब गुजर भी रहा था ये कंटेंट बनाने का, तो उस दौरान भी मैंने देखा बहुत से लोगों ने जो है वो मुझे कॉपी करके बनाना शुरू कर दिया और ठक वीडियोज़ डालना शुरू कर दिए। तो बहुत से ऐसे भी
लोग आए जिन्होंने कहा कि मैं किसी और को कॉपी कर रहा हूँ और मैं बताऊं उनको यार मैं 2010 से बना रहा हूँ ये चीज़। मैंने भी ऑफ कैमरा आपसे पूछा कि वो एक किसी ने रिव्यूज शुरू किए तो आपको देख के उन्होंने किए या आपने उनसे लिए? बस वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक साथ आ जाते हैं आइडियाज, लेकिन होता है कभी कभी ऐसे फील होता है, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि यार ये बिल्कुल आपका स्टाइल है और ये सब चीज़ें आप क्यों नहीं बोल रहे इसके ऊपर। बस जिसको जितने अल्लाह ने जिस तरह दीवी इज्जत दीवी हो जाती है, कुछ लोगों की एक चीज़ के ऊपर इतनी इज्जत मिल जाती है, कुछ को हज़ार के ऊपर नहीं मिलती। लेकिन ये प्रोसेस जो है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि यार आपसे बाद में आपको कॉपी करने वाले ज़्यादा फेमस हो गए या ज़्यादा सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए, इस तरह चीज़ होगी। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि मेरा ख्याल में मुझे वक्त के साथ साथ अल्लाह ने देना था, 10 साल में मुझे कुछ वो सिखा दिया गया कि जब मिले तो फिर ये बर्दाश्त भी कर ले, क्योंकि बहुत से लोगों को वक्त से पहले मिल जाता है फिर उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, वो मैनेज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, और आई थिंक वो वाली भी बात है कि एक इंसान जो लंबी रेस का घोड़ा हो और एक जिसको जल्दी सक्सेस मिल जाए, वो भी बड़ा फर्क होता है दोनों की जर्नीज में। आप आहिस्ता 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 ग्रो करके जब आगे जाते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके जब आप आगे जाते, लगता है कि मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ, बट चले नहीं, मैं 11 साल तो आपको हो गए ऑलरेडी करते हुए, बीच में आपने ब्रेक ली थी, उसकी क्या वजह थी? सर बस उसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि लाइफ में असल में वो काफ़ी शुरू से ही देख लिया था, जब बाहर था तो उधर देख लिया था कि काफ़ी पैसे वगैरह किस तरह कमाए जाते हैं, तो ये एक चीज़ तो समझ आ गई थी कि यार अगर ज़्यादा पैसे कमाना चाहूँ तो ज़्यादा काम कर लूँगा मिल जाएंगे, क्योंकि बाहर तो आप जितना काम करेंगे उतना आपको रिवॉर्ड मिल जाता है, घंटों के हिसाब से पैसे होते हैं। खैर मेरी जॉब वगैरह भी अच्छी होगी तो वो एक समझ आ गई थी कि अच्छा ये तो 9 to 5 चीज़ है, 5 दिन काम करना है, वीकेंड पे भी अगर मैं कुछ और काम कर लूँ तो ये तो मैं अच्छे खासे पैसे बना रहा हूँ। तो 5-6 महीने के बाद ना थोड़ा सा वो फील हो गया कि यार पैसा कमाना तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है और मज़ा भी नहीं आ रहा, उसका सुकून भी नहीं मिल रहा। फिर इधर आया पाकिस्तान में, इधर आके वो ये सोशल मीडिया वाली फेम मिल गई तो ज़रा सेलिब्रिटीज़ के साथ फिरना शिरना शुरू कर दिया मैंने, उधर इस्लामाबाद में जो लोकल थे तो उनको मैं देखा करता था कि ये खूबसूरत भी हैं, पैसा भी है इनके पास, फेम भी है, लेकिन सुकून इनके पास भी नहीं है। तो वो एक क्वेश्चन आ गया था दिमाग में कि यार फिर सुकून है किस चीज़ में अगर इन सब चीज़ों में भी नहीं, क्योंकि हमें तो बचपन से यही सिखाया जाता है कि बस एक सर्टन उसके ऊपर आप पहुंच जाएंगे तो आपकी लाइफ सेट है। तो वहाँ पर वो एक ब्रेक मैंने ली थी, एक बेसिकली उसी एक जर्नी के ऊपर चला था, कुछ ऐसे लोगों से मैं मिला जो मुझे काफ़ी सुकून में लगे, तो मुझे शुरू में तो लगा कि ये ज़रूर कोई नशा करते हैं, क्योंकि ऐसे सुकून में तो बंदा हर वक्त नहीं फिर सकता। फिर यही लगा कि यार ये 24 घंटे इसी तरह होते हैं और उनको शायद पता भी नहीं है कि वो किस स्टेज में, बिल्कुल वो चिल है। तो फिर वो उनका ज़रा सोबत में रहना शुरू किया, फिर मुझे पता चला कि एक रिलीजन का एक पाथ है जिसको हमने बिल्कुल ही इग्नोर किया होता है। आप लाइफ के 24-25 साल अगर आपने किसी और चीज़ को दे दी, एजुकेशन को, नौकरियों को, करियर को, इन सब चीज़ों को, तो ये भी एक पाथ है जिस पर चलना चाहिए। तो वो एक फेज़ था जिसके अंदर तकरीबन आई वुड से 1.5 से 2 साल जो है मैंने उसी को टाइम दिया कि कुछ इन्फॉर्मेशन ले लूँ जो मुझे लग रहा है कि अब बाकी सारे आंसर्स उधर ही हैं कि नहीं। तो वो एक ब्रेक थी। उस दौरान में भी ऐसा नहीं था कि मैंने कोई डिलिबरेट एफर्ट की कि यार मैंने सोशल मीडिया को छोड़ देना है, ये गलत है, इस तरह की चीज़। वो बेसिकली यही था कि वो इतना मुझे इंटरेस्ट हुआ था बाकी चीज़ों के अंदर कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था किसी और चीज़ का, और मैं अगर कोई बात करता भी था किसी और टॉपिक पे तो मुझे ये लगता था कि यार इट्स नॉट इवन वर्थ इट, देयर आर बिगर थिंग्स इन लाइफ, या और चीज़ें जिनको जिनके बारे में बात करनी चाहिए। तो अब वापस जब आए हो तो उसके अंदर मुझे थोड़ा सा ये कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उस चीज़ को, बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि जी इन योर फेस किस्म की प्रीचिंग शुरू हो जाए। तो वही एक ब्रेक थी बेसिकली। और हैव यू फाउंड दैट पीस दैट यू वर लुकिंग फॉर? आई वुड लाइक टू थिंक सो, एटलीस्ट आई नो द पाथ नाउ, उसके ऊपर चल तो रहे हैं, देखें अभी मेरे ख्याल में वो जो सुकून है वो तो कब्र में जाके आएगा लेकिन कोशिश है जब तक ये मतलब पाथ पे चल रहे हैं तो, क्योंकि इसकी कोई लिमिट तो है नहीं ना। अभी आपके अगर लेट्स से अगर मैं कहूँगी जी 1 million हो गए 2 million fans हो गए, आपने 1 करोड़ रुपया कमा लिया, 10 करोड़ रुपया कमा लिया, हर बंदा जो है वो एक उस स्ट्रगल के अंदर चल रहा है और वो ख़त्म होना ही नहीं है। तो वो अगर आप उस रेस से ही निकल जाएं तो मेरे ख्याल में वही सुकून है। तो वो उस लिहाज से उस रेस से निकलने का सोच तो नहीं रहे? नहीं सर, बेसिकली ऐसा भी नहीं है कि आपने, यहाँ पर बहुत से लोग जो है ना वो इस चीज़ को भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर लेते हैं कि आपने अगर उस जगह पर पहुँचना है तो आपने इस दुनिया को छोड़ देना है, तर्क कर देना। मेरे ख्याल में वो ज़्यादा आसान तरीका है कि आप किसी दरख्त के नीचे बैठ जाएं और आप बस दुनिया से त्याग दें सारी चीज़ें और बस, वो ज़्यादा आसान है। असल तो बैटल ही यही है कि आप जो है इसी दुनिया के अंदर बैठ के अपने सारे दुनियावी जो भी वर्ल्डली आपके जो मैटर्स हैं उनके बीच में बैठ के वो पूरे करते हुए तब आपका दिल जो है वो किसी और हस्ती को जो है वो बेसिकली उसकी कुर्बत चाह रहा हो। असल इम्तिहान तो वो है। ये तो बहुत आसान है कि मैं सब कुछ छोड़ के बैठ जाऊँ किसी कोने के अंदर और पीर बाबा बन जाऊँ या किसी चीज़, तो
मेरा ख्याल में ये दोनों वैसे भी बैलेंस के साथ चलना होता है, दीन को भी लेके साथ चलना है, दुनिया को भी साथ लेके चलना है। बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं कि यार लोग मौलवी होने के बाद जो है वो मीडिया छोड़ देते हैं, तो मौलवी होने के बाद मीडिया में आ रहे हो तो इसकी क्या। तो मेरे ख्याल में यही रीज़न है कि वो एक किसी प्रोफेशन को इस तरह लेबल कर देना कि ये गलत है या वो, क्योंकि मैंने एक बड़े मशहूर साहब हैं जिन्होंने छोड़ दी थी ये फील्ड, तो उनके सामने बैठा हुआ था तो उनसे मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा जी क्या सीन है तो क्यों आपने छोड़ी ये फील्ड, तो उन्होंने कहा कि भाई ना महरम के साथ काम करना पड़ता है और इस तरह की चीज़ें। तो मैंने कहा मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में इतने अरसे से काम कर रहा था, मेरी टीम के अंदर मेरे ख्याल में कोई 5 से 6 खवातीन थी, वो सब ना महरम थी, तो क्या वो भी हराम है? मैं कहाँ पे जाऊँ, कौन सी ऐसी जॉब कर लूँ जिसके अंदर जो है मुझे किसी ना महरम से कोई किसी किस्म के कोई इंटरेक्शन ना हो। आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, एग्जैक्टली आप इंजीनियर हैं, ऐसे तो हो नहीं सकता कि आप जी दुनिया से औरतों को खत्म करने का ये जो थॉट है कि यार कि बस एग्जिस्ट ही ना करें, जी मर्द हाँ हों खाली, इसके पीछे आपकी क्या, आपने क्या असेस किया, इसके पीछे क्या वजह है? बेसिकली मुझे तो यही लगता है कि मर्दों की जो अपनी वीकनेस है ना वो थोप रहे हैं खवातीन के ऊपर। भाई अगर आपके कोई ऐसी इंटेंशंस आपके कंट्रोल नहीं है किसी खातून की वजह से, आपको लग रहा है कि आपके वजू में खलल आ रहा है या कोई इस किस्म की चीज़ हो रही है, क्या आप मेरे नापाक हो, दिमाग में गंदे हाँ ख्याल तो आएंगे ये या आपका मेरा दिमाग होगा। जी हाँ दिमाग डिविएट करेगा, तो इससे बेहतर है कि मेरा दिमाग डिविएट करे, इसको ही हटा दो। बिल्कुल ऐसे आपके अंदर की गंदगी है। देखिए जहां तक बात है खवातीन का पर्दा और वो सब चीज़ें, वो खवातीन की मैटर है, वो करें ना करें, हम उस पर अपना भी आपने अपनी हाँ इम्पोजिशन जी हाँ झाड़नी है कि ये आप नहीं यूं अपनी हो बिल्कुल आप ताकि मेरा अपने वजू बरकरार रहे। जी हाँ आप अपने बारे में फिक्र करें, अपने आप को देखने के यार आपने क्या सही करना है क्या गलत करना है। मैं तो जी रोज़ाना कोशिश करता हूँ, रोज़ाना फेल हो जाता हूँ। मैं ऐसा तो नहीं मैं कह रहा कि जी मैं जीत गया बटे पर, यही एक ही जंग है जो सबने लड़नी। और अगर कोई इस किसी को ये लग रहा है कि मैं रोज़ाना जीत भी रहा हूँ तो वो भी गलत है, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। हमारी जो DNA है वो इसी तरह बना हुआ ही इसी तरह है। आप देखें ना जो हमारी हिस्ट्री है जिसके अंदर एक चीज़ से मना किया गया था कि इस दरख्त से नहीं खाना या ये गंदुम नहीं खाना या क्या, जन्नत में होते हुए भी वो हुई, वो गलती सरजद हुई और उसकी वजह से हम इधर आए। मतलब सब पर्दे आप पे खुले हुए हैं, सब जो है रियलिटी जो भी गायब के जो इल्म है या जो भी चीज़ें वो सब आपके सामने खुला हुआ है, एंजल्स एंड एवरीथिंग जो लिविंग इनसाइड है हेवन, बट स्टिल आपने वो गलती की है। तो आप इन पर्दों की से भरी हुई दुनिया के अंदर बैठ के आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप गलती नहीं करेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो हमारे DNA के अंदर है। जो चीज़ आपको बेसिकली जो बाकी मखलूकात से ऊपर करती है वो तौबा ही है, जिसको हम ना बड़ा ही वो कर देते हैं। हम बड़े मज़े से लोग कह देते हैं कि यार एक दफ़ा गलती कर ली, अब हम तौबा तो कर ली हमने, फिर दोबारा वो गलती होगी, अब किस मुंह से तौबा करेंगे। यहाँ पर ही हम गलत हो जाते हैं। बार बार आपने तौबा करनी और बार बार आपकी बख्शिश भी होगी, यही एक कॉन्सेप्ट है। आप बस अपनी बैटल लड़ते रहें और तौबा करते रहें, बाकी तो अच्छा, ये आपकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग साइड है, स्पिरिचुअल साइड, जो मुझे नहीं पता था कि आप में जी वो वाली एक साइड है। आपकी वीडियोस में ये नहीं नजर आती। कॉन्शियसली आपने होल्ड बैक करके रखा हुआ इसे, जी या अभी तक आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि आप कंफर्टेबल हो टू कमेंट ऑन मैटर्स पर्टेनिंग टू रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी? असल में बहुत जो जो चीज़ें ना वो स्टीरियोटिपिकल भी हो चुकी हैं। बहुत से ऐसे आपको रिलीजियस स्कॉलर्स मिलेंगे जो कि एक सर्टन गेटअप के अंदर आते हैं, तो उसकी वजह से बहुत से जो लोग हैं ना वो थोड़े पुट ऑफ ही हो जाते हैं कि यार पता नहीं है कौन सा बंदा है वो, एक किस्म का इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक लिबास को, दाढ़ी को या इस किस्म की चीज़ों को हमने वो एक स्टिग्मा अटैच कर लिया उसके साथ कि यार ये एक सर्टन तरह का बंदा है, इसके साथ हम उस तरह की कोई बात नहीं कर सकते। तो एक तो वो नॉर्मलाइज करने के लिए भी बेहतर है कि आप जो है वो इन योर फेस इस तरह जो है हर किसी के डालें भी ना रिलीजन को। दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल में हर एक इस काबिल भी नहीं है कि वो आके इस बारे में बात भी कर ले। जो सबसे वैसे भी जो बेहतरीन किस्म की तबलीग है वो है जो ज़बान से ना हो। मेरा काम तो सिर्फ ज़बान को ही यूज़ करना है इसके ऊपर, तो मैं अगर बैठ के बातें ही कर रहा हूँ और हालत मेरी ये है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक जो है गलतियाँ करता हूँ फिर माफ़ी भी मांग रहा हूँ, तो मैं किसी और को क्या प्रीच करूँगा। तो बेहतर ये है कि आप अपने ऊपर ही काम करते रहें, फिर अल्लाह ताला ने अगर आपकी वो खुशबू फैलानी होती है तो वो फैला देता है। आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप चीख चीख के बताएं कि मैं बहुत ज़्यादा नेक हूँ या मेरे से अच्छी अच्छी बातें सुन लो। दूसरा ये कि जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो लोग कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बातें कर भी रहे हैं, रेफरेंसेस के साथ कर रहे हैं, तो उनको वो काम करते रहे, हम ये वाला काम करते रहते हैं। इसके अंदर ये भी देखिए ना सर, आपने बताया कि आपके आपके हाथ में है किसी को इस तरह इंसल्ट करना है, छुरी को घुमाना और वो चीज़ें, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो यही आपकी मेरे ख्याल में यही तबलीग है। अगर इस एक्शन स्पीक लाउडर जी देन वर्ड्स। आपके जो कंटेंट सब हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने है, कौन सा कंटेंट जो है वायरल हो रहा है, और ये हम लोग ही हैं जो वो सब चीज़ें देखते हैं। मैंने जब ये थोड़ा टोन डाउन किया था अपनी चीज़ों को तो लोग मुझे कहते थे कि यार तुम बिक गए हो,
या तुम अब इनके साथ दोस्तियां हो गई हैं इसलिए तुम इस तरह की बात कर रहे हो, अब तुम्हारे वो बात नहीं रही। मैंने कहा जो मैंने खुद काम की है, कि कहीं किसी को ये ना लगे कि मैं इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, उनको भी अच्छा लगे। मुझे भी पता है कि कितनी किस टोन में मैं बात करूंगा तो कितना ज़्यादा वायरल हो जाएगा कॉन्टेंट। लेकिन वहीं पर ही आप अगर इस तरह प्रीच कर रहे हैं कि हम जानते हुए हम नहीं करेंगे इस किस्म की कोई हरकत, मेरे तो बिल्कुल सामने आप लोगों का तो फिर एक सर्टन कोई एक आप कहेंगे कि कुछ ब्रांडेड एफर्ट्स हैं, कोई एक एक पर्सोना है जो कि चलाया जा रहा है, एक कंपनी है जो कि चल रही है, एक प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो किया जा रहा है। हमारे इधर तो सिर्फ इंडिविजुअल्स बैठे हुए जिनका जो मूड आ रहा है जिस तरह मर्जी गाल गलोच कर लेंगे और कर लेंगे, बस कोई पूछने वाला नहीं है कि इंडिविजुअली है। तो ये देखते हुए भी अगर मैं वो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है यही मैसेज काफ़ी है लोगों को बताने के लिए भी। यूथ अगर आप देखें मेरा कमेंट सेक्शन सिर्फ इसी से भरा होता है कि इसकी वीडियो से ये पता चल जाता है कि बगैर गाली दिए भी ह्यूमर बनाया जा सकता है। बस यही मेरी यही अगर मैं यही प्रीच कर रहा हूँ लोगों को तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे उनको इन योर फेस जाके इस्लाम की टीचिंग या स्पिरिचुअलिटी पे बात करने की ज़रूरत है। मैं मैसेज मेरा चला गया आपके कंटेंट का या हमारे कंटेंट का या और जो यूट्यूब के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपको क्या लगता है कितना इन्फ्लुएंस और फिर कितना इम्पैक्ट होता है ऑडियंस के ऊपर? इस हद तक होता है कि उनकी जिंदगी में कुछ तब्दीली आए? सर मेरा ख्याल में तो हर कंटेंट का ही है, ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इसलिए बहुत सारे एक्टर्स से हमारी बात हुई है, वो कहते हैं यार टीवी ठीक है, कोई स्कूल नहीं है, उसका इतना कोई इम्पैक्ट नहीं हो जाता कि एक इंसान जो कि टीवी के ऊपर या फिल्म के ऊपर कुछ चीज़ देख रहा है वो अपनी जिंदगी के फैसले इस चीज़ के ऊपर करना शुरू कर दे, यार कि मैंने टीवी में यूं देखा था किसी एक्टर को कैरेक्टर को करते हुए या फिल्म में यूं देखा था। अब इसके अंदर एक चीज़ ये भी कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो एज एन एक्टर आपके पास ज़्यादा ऑफर्स ज़्यादा चॉइसेस ही नहीं होती हैं। फॉर अस कंटेंट क्रिएटर्स हम फिर भी कम से कम बना तो सकते हैं खुद कुछ। एक्टर को तो अभी जैसा मैंने भी जो ड्रामा किया है उसके अंदर एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ था और मेरे से तो ऑनेस्टली सारा पढ़ा नहीं जा सकता, अगर 30 की 30 एपिसोड से पढ़ूँ, बीच में अगर कहीं 27वीं एपिसोड के अंदर कोई ऐसी बात हो रही है तो मैं उधर वहाँ पर फिर भी डिस्कशन कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ज़्यादा फ्रीडम नहीं है उधर। तो एज एन एक्टर आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास लिमिटेड किस्म के रोल्स आते हैं, लिमिटेड किस्म की स्टोरीज़ हैं, तो वो वहाँ पर इसके ऊपर डिबेट करना कि जी हमें हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं, आई थिंक आई एग्री, बट इस बात के ऊपर डिबेट करना कि जी इसका कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है, ये आई डोंट एग्री, आई एम सॉरी। वेदर इट्स सोशल मीडिया, वेदर इट्स मेन स्ट्रीम मीडिया, आप देखें कोई भी जो है इवन जो बंदा देख रहा है, अब उसने कोई दो कपल को अगर देख लिया है शादी करते हुए स्क्रीन के ऊपर, उसको भी पता है कि ये कैरेक्टर की दूसरे कैरेक्टर से शादी हो रही है, कैरेक्टर नेम्स हैं उसके अंदर, और वो जब एक चैनल को स्विच ऑन कर रहा है तो वो ये सबकॉन्शियसली उसको पता है कि यार ये एक्टर्स हैं जो जिनको पैसा मिल रहा है कोई ये काम करने का, बट स्टिल वो जो चीज़ें कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है ना आपके, दैट इज़ वट शेप्स यू बेसिकली। बहुत से लोग मेरे से ये बात पूछते हैं, वो कहते हैं कि यार किस तरह जो है वो इस बात के ऊपर जाया जाए, सबसे पहला स्टेप क्या है, तो मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि अपना जो आसपास की जो सर्कल है ना उसको देख लें, अपनी सोबत जो है उसको क्लियर कर लें। तो उससे होता यही है कि आप जिन लोगों में बैठे हुए होते हैं सबकॉन्शियसली वो इस किस्म की कोई बात कर जाते हैं जो कि आपके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं फंसी हुई होती है, जैसे कोई गाड़ी की बात कर रहा है कि जी मुझे गाड़ी है तो सिर्फ पराडो ही है या फलानी गाड़ी है, उसकी ये बात है उसकी वो बात है, अभी आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, लेकिन कल को आपके पास अगर पैसे आ गए हैं जहाँ पर आपको शायद कुछ अच्छा करने का भी मौका मिले उसी पैसे से, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं से वो थॉट आ जाएगी कि यार वो गाड़ी अगर लेनी है तो वो वाली क्यों ना ले लूँगा करोड़ रुपए की या व्हाटएवर, तो वो जो सबकॉन्शियस थॉट्स होती हैं हमारे दिमाग के अंदर वो कहीं ना कहीं जाके हमें इन्फ्लुएंस ज़रूर कर रही होती। और ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई या हमारा जो सोशल मीडिया का कॉन्टेंट हो गया वो कहीं ना कहीं आपकी शेप अप कर रहे होते हैं। बेशक हम कहें लोगों को कि यार हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, इस किस्म की चीज़ नहीं है, आई थिंक के करता है। और वो जो आपने बात की कि बिकॉज आपको पता है कि आपका कंटेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है या इम्पैक्ट कर रहा है, इसी वजह से आप वो लाइन क्रॉस नहीं कर रहे, तो आपके केस में तो आई थिंक इट्स फेयरली एविडेंट कि आपको पता है कि कितना आपके कंटेंट की अहमियत है और किस तरह से वो जाके इम्पैक्ट कर सकते। सर मैं आपको अभी बताऊँ, अभी रिसेंटली बड़े लोगों ने मुझे कहा था, मैंने 2-3 ड्रामास के ऊपर ही बात की है पहले और तो किसी पर की नहीं थी, तो अभी ये जितने भी ड्रामास थे वो अच्छे ड्रामास ही थे, स्पेशली मैंने खुल के बात कर ली थी, एक दो भी बहुत ऐसे ड्रामास आए जो कि टेलर मेड थे CBA स्पूफ के लिए, रोस्ट के लिए, स्पूफ हाँ के लिए, बिल्कुल बिल्कुल वो सारे चले, तो और मैं देख भी रहा था, मुझे हर बंदा कह रहा था कि असलान तुम ये किस तरह मिस कर रहे हो, तुम इसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे, इस पर तो बहुत कॉमेडी का मटीरियल है। तो मैंने सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसके ऊपर कॉमेडी करते करते ना कहीं मैं वो लाइन क्रॉस करूंगा, मैं वो इंसल्टिंग उसमें आ जाऊंगा क्योंकि वो कॉन्टेंट अच्छा नहीं है,
और जब उसके ऊपर वो बात हो रही होगी, तो पुराना कोई गाना उठा लो ना, तो उसके अंदर सबकॉन्शियसली ये होता है कि यार अच्छा पुराने जमाने की तो हर चीज़ पे ही हंसी आती है, तो उसके अंदर मैं खुल के भी बात कर लेता हूँ, लोगों को भी पता है कि अच्छा ठीक है पुरानी चीज़ों के ऊपर, वो फैशन के ऊपर ही आप हंसते हैं और कुछ वो ना हो। लेकिन अभी का ऑन एयर कॉन्टेंट है, इसके ऊपर अगर मैं कॉमेडी भी करूंगा तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए वो रोकना। दिल नहीं दुखाना चाहते जी आप किसी जी से, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है रोस्ट ना करना। जी हमारा तो जी काम ही है, हम एग्जैक्टली 12-12 13-13 ड्रामे हर हफ्ते कर रहे हैं, तो वो जी जो रोस्टेबल मटेरियल आता है तो होता है। बट हाँ, ऑफकोर्स हमारी भी कोशिश होती है कि इंसल्ट किसी को ना करें, बट आई जी कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रगल। अच्छा, जी नाउ ड्रामों की हम बात करें, आपने भी जिक्र किया एक्टिंग की तरफ, आप आगे चुपके चुपके आपका डेब्यू सीरियल, डेब्यू प्रोजेक्ट, ये कैसे डिसीजन हुआ कि यार कि आप एक्टिंग करनी है? अच्छा सर, बहुत अरसे से कुछ ऑफर्स आ रही थी, एक ज़माने में बॉलीवुड से भी ऑफर्स आई थी, अच्छा, 2015 वगैरह तो की उसका बात है। बताया ना फिर, नहीं नहीं बॉलीवुड से वो क्यों, क्या, उस वक्त भी मैंने कोई इंटरेस्ट ही नहीं शो किया था कि अच्छा ठीक है वो इसकी कर क्या रहा वजह हूँ, है? बस सर वो वैसे नहीं कुछ, वो पाकिस्तान आया था वापस और फिर यहाँ से छोड़ के कहीं जाना वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था, कि जिस वजह से आया हूँ कम अज़ कम इधर ही और रहूँ। वो भी सिर्फ ये आपकी सीबीए की वजह हाँ जी से? हाँ जी हाँ, क्या वो बात उस वक्त है, तो फेसबुक ही था खाली, तो उस वक्त हुई थी 2015-14-15 की बात है मेरे ख्याल में। ये कोई इमरान हाशमी वाली फिल्म तो नहीं 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 जो नहीं ऐसी नहीं, आपने जो आपने कहा वो नहीं है होती तो मैं मैंने चला जाता उस तरह का भी शायद नहीं था, बट खैर वो वहां से था। फिर कुछ दुबई से भी इनफैक्ट आ रही थी ऑफर्स, लेकिन मैं नहीं गया इसीलिए कि पाकिस्तान से नहीं जाना। फिर एक्टिंग की जो आ रही थी वो पहले आई थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। इसके ऊपर हुआ यह था कि मैंने जैसे आपको बताया मैंने 4 ड्रामास देखे, उनमें से एक जो मैंने खुद देखा था वो था सुनो चंदा। तो जब मुझे ये कांटेक्ट किया, पहले तो मैं वो बताऊंगा, अच्छा एक तो वो सुनो चंदा देखा हुआ था, उसके बाद हुआ ये कि जब मैं ये जॉब के ऊपर, अच्छी खासी मेरी मल्टीनेशनल में जॉब थी, तो वो छोड़ना भी एक मुश्किल हो रहा था बंदे को कि यार किस तरह छोड़ा अच्छा, आप वो जाए। छोड़ दिया आपने, जी सो जी साल हो नाउ गया यू आर करीब जस्ट एक्टिंग एंड जी क्रिएटिंग कॉन्टेंट। कॉन्टेंट। हाँ जी, उससे अच्छा, पहले मैं यही करता था कि जॉब के साथ कंटेंट बना रहा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक हो जाता था मेरे लिए, क्योंकि दोनों चीज़ों को एक साथ चलना। लेकिन लास्ट ईयर जो है मैंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि यार ये मैं बचपन से ही जो है मैं इसी लाइन का बंदा हूँ, तो मैं वो जॉब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डिग्री की भी है, और वो एक शुरू से एक वो दिमाग में उस होता है कि ना पढ़ सोसाइटल ली है। जो जी एक जी एक्सपेक्टेशन है कि जी नौकरी तो करनी हाँ है। जी, तो वो एक वो नौकरी वाला सीन था, वो अच्छी नौकरी भी थी, तो इसलिए ज़रा वो मुश्किल हो रहा था वो छोड़ना। लेकिन एक चीज़ मैंने, सो उन दिनों हुआ ये था कि कुछ ड्रामास की तरफ से और भी कोई शोज वगैरह थे उनकी तरफ से भी ऑफर आई, लेकिन कुछ क्लिक नहीं कर रहा था, कुछ खास समझ नहीं आ रही थी, और फिर इधर ये भी कन्फ्यूजन थी कि जॉब छोड़नी है नहीं छोड़नी है। फिर मैंने ये तो रियलाइज़ कर लिया था मेरे ख्याल में फेब में ही लास्ट ईयर या जैन में, कि मैंने जॉब छोड़नी है, मैंने फुल टाइम सोशल मीडिया ही करना है। तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि मैं बहाना क्या बनाऊं जॉब छोड़ने का, क्योंकि बॉस भी जो थी मेरी वो भी इतनी अकोमोडेटिव थी, उनको था कि यार आप वर्क फ्रॉम होम कर लें, आप हम किसी किस्म को तंग नहीं करेंगे, आपको अगर सीबीए करना है, कंटेंट क्रिएशन, वो सब चीज़ें करनी है, मैं पूरी तरह फैसिलिटेट करूंगी। तो मुझे वो भी लग रहा था कि यार अब अच्छा भी नहीं लगता ऐसे बॉसेस को नाराज़ करना, फिर घर वाले भी जो हैं उनको, उनसे ही बात करनी है और वो सब चीज़ें, और वो भी इस लेवल के ऊपर आके जब करियर में वहाँ पर पहुँच जाएँ। तो ये मुझे कॉल आती है MD से, और उन्होंने बताया कि जी सुनो चंदा की राइटर है। तो पहले तो ना मैं 50% दुबई पे सोल्ड आउट हो गया, मैंने कहा एक ही ड्रामा मुझे खुद जेन्युइनली पसंद आया था सुनो चंदा वाला, और था भी वो अच्छा। फिर मैंने पूछा डायरेक्टर कौन है, जी डायरेक्टर दानिश नवाज है, दानिश का मैं बचपन से ही फैन हूँ, मतलब इतना भी छोटा नहीं हूँ मैं क्योंकि लेकिन मतलब उनको देखते रहे बड़े अरसे वो से, बड़े और कम अरसे से वो शुरू हो काफ़ी गए थे। पहले से कर रहे थे काम, तो वो अच्छा। मैंने कहा यार ये भी अच्छा, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि किसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। अगर कोई इस किस्म का बंदा होता जिससे थोड़ी इक्वेशन बहुत ही फॉर्मल हो रही होती, तो मुझे थोड़ा सा होता है कि यार बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। अच्छा वो दोनों चीज़ों में मुझे हो गया। फिर उन्होंने मुझे कैरेक्टर के बताया, तो उन्होंने कहा कि जी इस तरह है, दो फैमिलीज़ हैं उधर, उस्मान है जो बड़ा बेटा है, इधर आप हैं, आप दोनों की दोस्ती बड़ी अच्छी, कजन्स भी हैं आप, और ये वो सेकेंड लीड है बेसिकली। मैंने कहा जी वो तो मुझे सब अच्छा लग रहा है, अच्छा फिर लेकिन कुछ लीड नहीं है तो मैंने नहीं, नहीं मतलब नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है मुझे, मैं तो नहीं हीरो, मैं खुद मतलब मैं लीड। ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस हालत में मैं था, अगर आप लोग अभी भी देखें वो फुटेज वगैरह, मैं रोज़ाना की वही आपको कॉर्पोरेट जॉब्स का आइडिया हो गई, वो जो रात को 8 और 9 बजे तक आप कर रहे होते हैं, फिर साथ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन भी मैं कर रहा था, मैं उसी तरह मुंह उठा के आ गया था। मैं तो पहले इनसे ये पूछा आप लोगों ने मुझे देखा हुआ है, क्योंकि मेरे में तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हीरो बनूँ, और दूसरा वैसे भी मैं बताऊँ तो फर्स्ट प्रोजेक्ट आई वुड रादर वॉन्ट टू प्ले अ सेकेंड लीड, थोड़ा प्रेशर भी कम होता है, क्योंकि एक तो सीखने को भी मिलेगा, दूसरा जो भी एक्सपेक्टेशन है वो उन्हीं से ही है, तो आई एम एंजॉइंग माई वो वाला चीज़ कहते ठीक है, इट्स नॉट रियली, मैं सिर्फ रिलैक्स ही करना है, मैंने ज़्यादा मेरे को बर्डन नहीं। और दूसरा ये है कि
इसके ऊपर भी बेसिकली एक प्रॉब्लम भी हो गया। अच्छा मुझे था कि 45 दिन के अंदर बस ख़त्म हो जाना है शूटिंग और आप लोगों ने वापस आ जाना है, और ये बता दिया जाता है कि 45 दिन बहुत ज़्यादा टफ किस्म की रूटीन होगी। वो फिर सर ऐसा कोई वो कोरोना हुआ, बंद हुआ मेरा ख्याल में कोई 10-15 दिन की शूटिंग ही थी, उसके अंदर काफ़ी मेरे सीन्स वगैरह रिकॉर्ड हो गए। दिस वाज मार्च 2020 जी, वी वर सपोज टू गो ऑन योर सेट फेब में, सर बैठे हुए यहाँ पे, उन्होंने इनवाइट किया हुआ था हमें जी, तो वो हमने जाना था और लॉकडाउन हो गया तब, तभी आपका ये शुरू हुआ। जी दीदी तभी शुरू हुआ था, तो वो उसके ऊपर हम, मुझे यही था कि बस 45 दिन है जरा ट्राई करके देख लेते हैं। मेरी असल में उस्मान से ही बात हुई थी, जब मैंने सब सुन लिया था ओके हो गया था, तो मैंने उस्मान को फ़ोन किया, मैंने कहा यार इस तरह है व्हाट डू यू थिंक, तो उसने मुझे ये बात की, मैंने उसको बेसिकली एक बात बताई थी कि ये जो सोशल मीडिया है मैं 10-11 साल से कर रहा हूँ और दिस इज़ माय कंफर्ट जोन, अब मुझे पता चल गया कि मैंने क्या करना है किस तरह करना है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ न्यू डोमेन एक्टिंग की, ना कभी पहले की है ना कोई एक्सपीरियंस है। शौक था आपको? नहीं सर ऐसा कोई शौक भी नहीं था कि मैं कहूँगा अच्छा। बहुत बड़ा एक्टर बनना है कुछ, लेकिन ये मुझे हमेशा से होता था कि कम से कम सोशल मीडिया पे भी थोड़ा सा प्रेजेंटेबल चीज़ ही जाए, बहुत ज़्यादा कैजुअल भी ना हो कि आप कहें कि बिल्कुल ही ऐसा लगे कि कोई एफर्ट नहीं डली है, थॉट हो पीछे, थॉट हो और इवन प्रेजेंटेशन में भी थोड़ी सी कोई मतलब एफर्ट, हाँ मेहनत नजर आए, तो वो उसका तो था। लेकिन अच्छा वो फिर ओबीसी जब मेरी बात हुई तो उसने ये कहा कि यार अगर तो ये तुम्हें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है तो फिर इसको ज़रूर करो, कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं कहा दिस मेक्स परफेक्ट सेंस, और फिर मैं आ गया। असल में यही था कि 45 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो 45 दिन के अंदर हुआ नहीं। बात जो है वो फिर अभी अभी जाके ख़त्म होगी, पूरा एक साल होगी। इनफैक्ट उसका प्रॉब्लम भी यही है कि मैं उसी हालत में चला गया था, एक्टिंग कर रहा था, कि मेरा 5-6 किलो वजन भी जो है वो इस एक साल में कम हो गया है, तो कंटिन्यूटी के हम कंटिन्यूटी के बहुत ज़्यादा होंगे, और वो मुझे फिर हम रिव्यू करते हुए कहेंगे यार ये कैसे उनके वजन में कैसे एक शॉट से दूसरे शॉट। वो अभी तो मेरा फिर 2-3 महीने मेरे ख्याल में दोबारा से पुट ऑन कर लिया, लेकिन बीच में असल कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं थी, हुआ यही था कि जब वो पिछले साल जब कर रहा था तो मैं जॉब के बीच में चला गया था, एक्टिंग करना शुरू हो गया हूँ, और फिर उसके बाद जब आया तो लॉकडाउन हो गया, मुझे ये था कि 1-2 हफ्ते के बाद दोबारा शुरू हो जाएगा। वो 1-2 हफ्ते करते करते अच्छा मेरा यही था कि मैं जिम वगैरह पहले भी जाता था, लेकिन बीच में वही 2-3 महीने के लिए छोड़ दें तो फौरन माशाल्लाह मैं गेन भी और लूज़ भी फौरन करता हूँ, तो मुझे कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं था कि मैंने अब जाऊँगा तो मैं बड़ा स्मार्ट हो के जाऊँगा ये वो फलाना। तो जिम से हल्का फुल्का मैंने किया, थोड़ी डाइट सही कर ली, थोड़ी नींद मेरी ठीक होना शुरू हो गई, जरा हमने भी लोशन वगैरह लगा ली मुंह के ऊपर क्योंकि हमने तो कभी जिंदगी भी नहीं लगाया, तो वो थोड़ा बहुत कर दिया। वो उस साल लेक की जब वो हुई ना तो वो उसमें काफ़ी फर्क आ गया, साल लेक भी आप हल्का फुल्का भी आप सिर्फ नींद ही अपनी ठीक कर लें तो आपकी शक्ल में थोड़ा सा नूर आ जाता। तो वो खैर मैंने भी अभी पिछले दिनों देखा तो मैं भी एक दो हेल गया, मैंने कहा ये तो अच्छा खासा फ़र्क है, इतने से थोड़ा सा पतला मुँह हुआ वो तो फर्क तो पड़ता है, लेकिन चलें। अच्छा जी, तो फिर ये बताएं कि जो चुपके चुपके आपका शुरू हुआ है जी, क्या ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करे इस ड्रामे से? है तो शुगली ड्रामा जी, प्रोमोज भी बहुत मज़े के थे, अभी तक 2 किस्तें आई एम श्योर देख ली हैं लोगों ने, तो उसको एंजॉय कर रहे हैं जी, लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि व्यूवर्स के लिए क्या है इस ड्रामे में? सब बेसिकली तो यही है कि एक ज़रा जो अच्छी चीज़ मुझे लगी कि इतने मुश्किल वक्त से गुजरे हैं हम पिछले एक साल में, जो कुछ हो रहा है, लॉकडाउन आ रहा है जा रहा है, फिर बहुत से लोग हैं जिनके काफ़ी लव्ड वंस हैं जो लॉस्ट देयर लाइफ्स इज़ वेल, तो वो इस किस्म के डिप्रेसिंग साल के बाद जो है आपको एक अगर एक तो वैसे ही रमज़ान जो है उसके अंदर एक एलिमेंट वो आ जाता है थोड़ा सा, और फिर उसके अंदर रात के वक्त अगर आपको कुछ थोड़ा हंसी मजाक और हल्की फुल्की कोई स्टोरी मिल जाती है तो वो एक मेरा ख्याल में एक अच्छी टाइम आउट हो जाएगा ऑडियंस के लिए। मैंने वैसे लास्ट ईयर में देखे तो हैं ड्रामा सीरियल्स वगैरह, कम ही मुझे नज़र आए इस किस्म के जो थोड़े शुगली और हल्की फुल्की कॉमेडी हो जिसके अंदर, तो वो एक अच्छा मुझे लगा कि कम से कम कुछ इस किस्म की कंट्रीब्यूशन आ रही है शायद कुछ लोगों की थोड़ी डिप्रेशन में, और क्योंकि ये इट इज़ ऑन द राइज, और वो ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि हम घरों के अंदर बैठे हुए हैं और सिर्फ गैजेट्स के अंदर ही घुसे हुए हैं, तो वो टाइम तो हम गुजार लेते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है हमें मेंटली इफेक्ट करती हैं वो सब चीज़ें, तो उसका एक मेरा हमें ब्रेक मिल जाएगी, थोड़ा फैमिली के साथ बैठ के देखने वाला है, क्योंकि अभी भी मैं देखता हूँ ये कि 5 फैमिली वाले बैठे हैं लेकिन सब अपने अपने फ़ोन से बैठे हैं, तो ये है कि अगर टीवी के ऊपर आपने लगाया हुआ होगा आपको मज़ा आएगा। तो आई होप कास्ट बड़े मज़े की स्ट्रॉन्ग कास्ट है, ओबी से तो आपकी दोस्ती आपने बताया बट आयजा भी हैं, कैसा था सेट पे माहौल, कैसा था, किसके साथ ज़्यादा आपको मज़ा आया काम करके, फंडे किसके हुए ऑफ कैमरा? नहीं ऑनेस्टली कोई किसी किस्म यार आपकी मुस्कुराहट बड़ी बड़ी मीनिंगफुल अरसलान आपके चेहरे पे आई है मुस्कुराहट। मैं आपको बताऊं असल में
फड्डे इसलिए थोड़ी सी जो हमें जो सख्ती हुई है वो सिर्फ सिर्फ कोरोना की वजह से हुई है, और कोई कोरोना की वजह से हुई, मुझे आदत पड़ी है कोरोना की, लेकिन वो ये जो उसकी वजह से हो गया कि कोई आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं है या लॉकडाउन हो रहा है दोबारा, फिर शूटिंग और रुक रही कोई है। ऐसा फड्डा नहीं हुआ सेट नहीं के नहीं ऊपर? ऐसे कोई इस किस्म का कोई फड्डा नहीं, स्पेशली जो कास्ट एंड क्रू है। एक तो दानिश भाई का ये है ना कि जैसे वो आते थे सुबह तो वहीं से जो है वो एक वो हंसी अपने मजाक और साथ एक वो पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव लेके एनर्जी चलते लेके हैं। आते हैं, तो वो सारी जो कास्ट मेंबर्स जो हैं वो उसी तरह फिर सब कुछ भूल के जो है वो बड़ा एंजॉय किए। मैंने मेरे ख्याल में जितना एंजॉय दानिश भाई के साथ मैंने किया, कि मुझे याद है कि सीन के बीच के अंदर, अब सीरियस सीन हो रहा है और वो दानिश भाई बीच में से कोई जोक करेंगे और मैं जमीन पर लेट के जो है वो हंस रहा हूँ, तो बाकी एक्टर्स भी तंग हो रहे होते थे कि यार ये पता नहीं डायरेक्टर को खुश होने के करने के लिए इतना हंस रहा है जो भी है, कि मुझे बाकी हंसी आ रही होती थी। और उस्मान के साथ ही इज गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, एमन जो है मेरे साथ जो है शी इज एन एब्सोल्युटली, मतलब मैं कहूँगा कि अमेजिंग एक्टर फॉर अ डेब्यू, शी इज डन एन अमेजिंग जॉब। और उसके साथ बहुत अच्छी मेरी केमिस्ट्री थी, हमने बड़ा इन्जॉय किया, मतलब वो हर वक्त ही हमारा जो है कुछ शुगर मेरा लगा रहता है। हमारे बाकी अली सफीना के साथ, मीरा के साथ, उज्मा जी हैं उनके साथ इतना हमने इन्जॉय किया, आसमा अब्बास जो थी उनके साथ इतना इन्जॉय किया। मुझे नहीं लगता कि, आयजा का नाम नहीं लिया आपने? नहीं आयजा का मैं भी लेना लेना चाह रहा था, क्योंकि आयजा का हुआ यह था कि वो लेट थोड़ा आई थी, तो पहले एक था कि यार आयजा खान आएंगी, क्योंकि होता है कि अच्छा वो सुपरस्टार वाली कहीं ना कहीं चीज़ हो और जाती है, मेरे पास फिर तुमों का मेरे स्पूफ पास भी तुम किया होना। हुआ हाँ जी वो आपने। तो मैंने किया हुआ था माशाल्लाह। अच्छा उसके अंदर मैंने खैर उनकी बड़ी तारीफ की थी, मेरे तो बिल्कुल नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो आयजा खान की काफ़ी प्रेजेंस आई थी उसके अंदर, तो मैं बाकी जो है काफ़ी इंस्पायर हुआ था कि शी इज़ वेरी प्रिटी एंड शी इज एक्टिंग रियली वेल इज वेल। तो खैर वो एक वो हो गया थोड़ा सा कि यार अच्छा आयजा खान आ रही हैं चीज़ें सुपरस्टार, तो मैंने कहा यार अब जो है ना वो थोड़ा सा हो जाएगा, जिस तरह मैं अभी कैजुअल हूँ ना उस तरह नहीं हो सकेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जितना प्लेजेंटली सरप्राइज हम उनकी वजह से, मैं अगर अपनी बात करूँ मैं हुआ, क्योंकि वो शी इज़ सो हम्बल, शी इज़ सो ईजी टू वर्क विद, और उनको पता भी था मेरा सारा CBA वगैरह के बारे में, और वो आके खुद जो है मुझ पर जोक्स कर रही होती, तो मैंने कहा चलें अब इनका टाइम है वो कर लें जो भी है। तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किए हर एक बंदे से, आयजा के साथ तो मैं वैसे भी डिस्कस भी करता रहता था, क्योंकि उनका माशाल्लाह इतना अच्छा एक्सपीरियंस भी चलता आ रहा है, हर तरह की उन्होंने टाइम भी देखा है इंडस्ट्री का ऊपर नीचे जाते हुए, तो उनके साथ हमेशा मैंने बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश की है। उस्मान से भी इस तरह सीखता रहा हूँ, सीन से पहले सीखता रहा हूँ। दानिश भाई जो हैं वो एक्टर भी हैं डायरेक्टर भी हैं, तो उनसे उनका फ़ायदा मुझे यही हो गया कि उनको पता था कि ये कहाँ से आ रहा है एज एन एक्टर, तो बहुत ज़्यादा जितना मैं ले सकता था बेसिकली इन लोगों से वो मैंने लिया है। चैलेंजिंग तो नहीं लगा आपको एक्टिंग करना? टू बी ऑनेस्ट ऐसे मतलब मुश्किल काम है ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि बहुत ही आसान है, क्योंकि मैंने तो ऐसे कोई एक्टिंग की भी नहीं है इसके अंदर, मैं तो बस लोग देख लेंगे, कुछ खास मैंने नहीं, किया नहीं है उसके अंदर, जो एक्टर्स हैं उनके लिए बाकी जो क्यों आप स्टाफ। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपने नहीं की? नहीं सर मुझे पता है कि मैंने क्या किया है, अभी तक तो वैसे भी लोगों को भी पता चल जाएगा, लेकिन खैर जो व्हाट्स योर अब कैरेक्टर लाइक? कैसा है आपका कैरेक्टर? सर काफ़ी आई वुड से अच्छा, वो काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं जिनके बीच में कुछ दो हैं जो कि सब फ्रस्ट्रेटेड हैं, एक मैं हूँ और एक उस्मान है, क्योंकि उस्मान की तो खैर दूसरी किस्म की फ्रस्ट्रेशन है, मेरी तो ये कि मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही और मुझे लड़की भी नहीं मिल रही है, तो ना शादी हो रही है ना ही नौकरी हो रही है, और नौकरी भी जो है मुझे ज़बरदस्ती किसी मुर्गी खाने पर बिठाने की कोशिश की जा रही है और मैं वो करना नहीं चाह रहा, तो वो मेरा तो वो एक वो वाला एक एलिमेंट है, थोड़ा सीरियस है। लेकिन फिर जो मेरा जो लव इंटरेस्ट है उसके अंदर भी ये सीन है कि मेरा मतलब थोड़ा उसमें मैं डम भी हूँ, तो काफ़ी ऑब्वियस किस्म के सिग्नल्स हैं जो कि मुझे मैं नहीं रीड कर पा रहा हूँ, तो वो ये काफ़ी हद तक वही है जो मैं खुद हूँ रियल लाइफ में भी हूँ, तो वो डम तो नहीं आप मेरे ख्याल मेरा ख्याल में तो अच्छा खासा डम हूँ, वो अल्लाह ताला ने पर्दे रखे हुए हैं जब तक कायम है तो अच्छी में। बात है, मैं इसीलिए इंटरव्यूज नहीं देता कि कहीं वो बाहर ही ना आ जाए जो असल डमनेस है, लोग कहते हैं यार क्या क्या सोचता है ये आदमी जब मैं बोल लेता हूँ वो 5-6 मिनट के लिए, तो वो चीज़ वो उसी तरह नेचुरली मैंने कर दी है बेसिकली। और कुछ लोग कहते हैं कि नेचुरली रहना चाहिए, तो लेट्स सी आगे कोई इस किस्म के रोल आएंगे जिसमें थोड़ा सा कैरेक्टर से हटके करना पड़ेगा तो उसमें ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। आगे की आपने बात की तो आगे आप क्या है, मतलब एक्टिंग फुल फ्लेज्ड आपका इरादा है, घुस गए हैं आप और रोल्स टेक ऑन करने का इरादा है, हीरो बन के आप उभर के आएंगे फिल्में मे बी लेटर ऑन, क्या सीन है? नौकरी तो आपने छोड़ दी है वैसे जी भी। नौकरी छोड़ दी, तो अभी ये है कि एक्टिंग में मुझे जो एक चीज़ अच्छी लगी वो ये लगी कि एक तो बहुत से लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, तो वो एक वो सोशलाइज जो आप कर रहे होते हैं वो आप इन्जॉय करते हैं अपने तरह के लोगों के साथ। सोशल मीडिया में आप चूँकि अकेले काम कर रहे होते हैं, फिर कंटेंट क्रिएशन से लेके फिर उसको बेसिकली एक्ट आउट करना, शूट करना, फिर एडिट करना, तो वो सब चीज़ें करते करते ना कहीं ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अकेला काम करना शुरू हो गए,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करता रहता हूँ, मैं वैसे भी इंजॉय करता हूँ अपनी कंपनी, लेकिन ये है कि उस लिहाज से आई रियली इंजॉयड एक्टिंग, के लोगों के साथ काम किया, तो मेरा ख्याल में आई वुड रियली वॉन्ट टू परसू दिस करियर। और उसके अंदर फिर ये चीज़ आ जाती है कि किस किस्म के रोल्स होंगे, किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, वो थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि आवाम को कुछ और देखना है, हमें शौक कुछ और होता है। लेकिन मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने कोई इतने ज़्यादा होप्स नहीं रखी नहीं कि मैं हॉलीवुड बना दूंगा, लेकिन मैं किसी के साथ यही बात कर रहा था कि अगर हम किसी की बात करते भी हैं, जैसे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन में भी, अगर एक आवाम पूरी वो किसी और तरह के कंटेंट को कर रही है, अगर मैं किसी एक स्टेज के ऊपर आके वो उस तरह का कंटेंट नहीं बना रहा हूँ, तो स्टेज पे आने के लिए कुछ टाइम तो लगा मुझे। अगर मैं कुछ चेंज करना भी चाहूँगा कि कल को ऐसे रोल्स बने, ऐसे ड्रामास बने जिनका बहुत इम्पैक्ट हो या बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ हो, जो कि मैं वैसे नो कि आई एम नॉट रियली केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग लाइक दैट, लेकिन उसके लिए, उस तक पहुँचने के लिए कम अज़ कम मुझे कुछ तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे, किसी एक पाथ से तो गुजरना पड़ेगा कि इसी ऐसी पोजिशन के ऊपर आ जाएँ जहाँ पर आकर हम शायद कुछ इस किस्म का कॉन्टेंट प्रोड्यूस करना शुरू हो जाए। क्योंकि डिजिटल जो मीडिया की जो कम्युनिटी, उन्होंने भी थोड़ी सी रिजर्वेशन शेयर की थी मेरे साथ कि यार आप क्यों जा रहे हैं इस फील्ड में, क्यों जा रहे हैं, आपको पता नहीं किस उनका कंटेंट बनता है। और ये वो, मैंने कहा अगर आपको वाकई ये चीज़ बॉदर करती है तो फिर देन यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ना। बहुत अच्छे राइटर्स हैं जो कि डिजिटल कंटेंट बना रहे हैं, अगर आप डिजिटल भी बनाते रहेंगे, ऐसा नहीं कि डिजिटल का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इसकी बुराई कर रहे हैं कि यार ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर अच्छा कॉन्टेंट नहीं बन रहा, तो आप लिखना शुरू हो जाए। बहुत दफ़ा ये भी होता है कि आपको फाइनेंशली उतना वायबल नहीं लगता मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि ब्रांड्स वगैरह का काफ़ी इंटरेस्ट है डिजिटल मीडिया के अंदर, तो आप कहते हैं कि यार मैं सस्ते में क्यों काम करूं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं तो कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, आप प्रायोरिटीज़ अपनी सेट कर लें। या तो ऑफर्स आना शुरू हो गए आपको और दीगर प्रोजेक्ट्स की चैनल से? जी एक दो हैं, थोड़ी कंसिडर कर रहा हूँ, अभी देखें उसके ऊपर क्या होता है, कुछ ऐसे मैंने फाइनल नहीं किया। मैं लॉग आपने कुछ नहीं कह चुके नहीं 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 लॉग कुछ भी नहीं किए। हाँ जी, एक कोई प्रोजेक्ट था उसके ऊपर हल्की पुल्की बात हो रही थी, वो वैसे ही शायद थोड़ा डिले हो चुका है। थैंक यू, इट्स बिन एन एब्सोल्यूट प्लेजर, इतना मज़ा आया आपसे बात करके जाते हुए, क्योंकि आप इंटरव्यूज बिल्कुल ही नहीं देते, ये भी नहीं मैं कहूँगा कम देते हैं, जो आपके इतने सारे फैंस हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मैसेज मैं फैंस तो ऑनेस्टली मैं इनको मानता ही नहीं हूँ, मेरी तो बिल्कुल फैमिली की तरह ही चल रही है, क्योंकि वैसे भी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो जीरो से शुरू होते हैं, ऐसा नहीं है कि बस थोप दिया गया है किसी ने प्लेटफॉर्म के, याद से तुम लोगों का ये हीरो है व्हाटएवर, इसको पसंद करो ज़बरदस्ती, तो मुझे तो बनाया ही इन लोगों ने, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। एक एक सब्सक्राइबर जो है वो काउंट होता है, वो सपोर्ट करते हैं, मेरे पीछे जाके लड़ते भी हैं, देखा है मैंने बहुत से ब्लॉग्स के ऊपर कोई बात हो रही हो तो सी बी आर्मी हम कहते हैं इन लोगों को, तो वो खुद ही जाके लड़ रहे होते हैं, तो मेरा तो बस मैं सिर्फ शुक्रिया ही कर सकता हूँ सर, इतना प्यार मिला है। जहाँ पर भी मतलब नंबर्स की जब बात होती है तो उसके ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए इग्नोर कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जब प्यार देखता हूँ, बहुत से लोग मुझे कोई एक इस तरह का मैसेज कर देते हैं कि यार आई वॉज गोइंग थ्रू अ रियली बैड फेज ऑफ माई लाइफ, कोई डिप्रेशन में था या कोई बीमारी से लड़ रहे थे और आपकी वीडियो की वजह से हमें फ़ायदा हो गया, तो मेरे लिए तो बस वही काफ़ी है, मेरा ख्याल में दैट्स एनफ। तो वो इसी तरह दुआओं में याद रखें, वो दुआएँ देते हैं और मेरे लिए वही फ्यूल के तौर पे काम करता है, बस दुआएं चाहिए। थैंक यू वंस अगेन अरसलान, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर, इतना मुझे मज़ा आया आपसे बात करके, अक्सर मोमेंट्स पे मुझे लगा कि वो जैसे मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ शीशा बीच में, मुझे भी क्योंकि इतनी सिमिलैरिटीज हैं हमारी जर्नीज में एक तरह से। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट, आपका ड्रामा चुपके चुपके, जो लोग जिन लोगों को नहीं पता, अगर आप किसी पत्थर के नीचे रह रहे हैं तो अरसलान का डेब्यू ड्रामा चुपके चुपके हर रोज आ रहा है, ऑन एयर हो रहा है रात को 9 बजे हम टीवी के ऊपर। अगर अभी तक आपने कैच ऑन नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। आई होप कि हम आपको और बड़े रोल्स में और बड़े ड्रामों में देखें, फिर और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आप इधर से ही गए हुए हैं ना उधर, जी जी तो आपको पकड़ना भी आसान होगा और आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना भी आसान। बिल्कुल ऐसे, थैंक यू अरसलान, माय प्लेजर सर, थैंक यू।